ये कि किसी बहन ने कहा कि क्या किसी नाबालिग लड़के और नाबालिग लड़की को कब्रिस्तान ले जाना शरण जायज़ है, जैसे हम फातिहा वगैरह पढ़ना जा रहे हों तो बच्चों को साथ ले जाएं, क्या हुक्म शरा है? देखिए, लड़कों को तो ले जाएं, बच्चियों को हत्तल इम्कान ना लेके जाएं, ये बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि एक तो औरतों का वैसे ही कब्रिस्तान जाना गैर ज़रूरी है, मतलब ये कोई ज़्यादा मुस्तहब अमल था कब्र की ज़ियारत, और फुकहा ने फरमाया कि सिर्फ एक मुस्तहब यानी अफजल काम को पूरा करने के लिए औरत घर से निकले, ये मुनासिब नहीं है। तो इसलिए बच्चियों को ना लेके जाएं कि आगे फिर ये आदत पुख्ता हो जाएगी और बड़े होकर भी जाएंगी, तो इसलिए ना लेके जाएं। बच्चों को आप ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसे टाइम में लेकर जाएं कि जब सुनसान बहुत ज़्यादा ना हो, रात का अंधेरा ना हो, क्योंकि जिन्नात वगैरह ऐसी जगहों पर होते हैं और बाद-ओक़ात वो असरात मुरतब कर सकते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से इरशाद फरमाया कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो फौरन बच्चों को घर में दाखिल करके दरवाजे लगा लो, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी मखलूक फैलती है जिसे तुम नहीं देखते। तो शारहीन ने इसके बारे में यही फरमाया कि ये जिन्नात होते हैं जो रात के अंधेरों में बाहर निकलते हैं, और फिर ऐसा हो सकता है कि वो बच्चों पर ख़ास तौर पर आसानी से असरअंदाज होते हैं, खुसूसन लड़कियों पर, इसलिए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए।